हमारा आगे का सफर है दूध पत्ती चाय मलाई। हाँ, दूध पत्ती चाय मलाई वाली। हम लोग अभी यहाँ पे थे कैफे लजीज पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बंस रोड की मशहूर बिरयानी, और जितने भी अहबाब, आज हमारी भांजी जो है कमल, उसने दावत की हुई है, और लेकिन हम यहाँ से बिल्कुल पार्ट हुए हैं। दही रबड़ी हाउस बंस रोड, यार फिर भी आप लोगों ने माशाल्लाह, आप लोगों को अल्लाह बरकत अदा फरमाए। वाह, रेहान भाई कह रहे हैं बहुत सस्ता खाना खाया, 5,000 का बिल बन गया, 200 फकीरों में बांट दिया। कह रहे हैं बहुत अच्छा था ये बिल, यार हमारी लोकेशन भी यहीं कहीं की आएगी, पता है सारे रोड के करीब तो गुजर रहा है बाबा। ये देखिए जनाब, कायदे आजम का मजार, क्या बारिश हो रही है। बाबा कौन सो रहा है दोस्तों? ये जेल रोड है, जेल रोड पहली अंदर है, ये जेल है। मरकज दावत ड्रामी दोस्तों, ये हुसैनाबाद है, असल उसका है, सॉरी हुसैनाबाद। कराची का मशहूर रेस्टोरेंट, चाह साहब ज्यादा कर रहा है, गुलशन है, गुलशन है। और ये देखें अपने चूड़ी मिठाई, और ये स्टूडेंट बिरयानी, पाकिस्तानियों एंजॉय करो बारिश का, देख लो। और हाल में जो है ये शहरी जो है जाग रहे हैं।
कैसा लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि हम बहुत पुराने पाकिस्तान में खड़े हैं जो डूब रहे हैं। अवशिष्ट पाकिस्तानी क्या महसूस करेंगे? अवशिष्ट पाकिस्तानी को एक ऐसी फील है कि कुछ अपने पाकिस्तान के बारे में सोचे। और ये भाई इतना रेट दे रहे हैं, पेट्रोल तो महंगा है, ये क्यों दे रहे हैं? ये पानी में खड़ी हुई थी ना बाइक, बारिश की वजह से तो वो गर्म कर रहे हैं बाइक को थोड़ा। जजाक अल्लाह यार, ये लोग बड़े माशाल्लाह से जो है परेशान है, ये देख लें, ये इतनी ज़बरदस्त मोबाइल मार्केट के सामने ये देख लें, ये नाला बंद हुआ हुआ, इस तरह से तोड़ के पानी निकाला जा रहा है। और रेहान कुरैशी भाई नीचे उतर रहे हैं, शाह साहब अबे रेहान भाई कहाँ गए? दोस्तों हम लोग मोबाइल शॉप पर आ गए, यहाँ पर रेहान भाई के साथ। जी रेहान भाई, ये कितने लाख का मोबाइल है? 4.5 लाख। 4.5 लाख का मोबाइल दोस्तों, ये 4.5 लाख का मोबाइल सैमसंग वालों के खड़े हुए। दोस्तों ज़बरदस्त बारिश हो रही है और सफ़र भी जारी और सारी है। बारिश में हमने प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ है, केसिंग चढ़ी हुई है, सामने काफ़ी हाल है। W11 और इम्तियाज गुलशन वाला, और हम लोग जा रहे हैं कैफे प्याला। कैफे प्याला दोस्तों, हमारे साथ मारूफ सनाखाने मुस्तफ़ा एहसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन शाह साहब, यहाँ बकरी तो खत्म हो गई, चारा क्यों बिक रहा है? जी ये असल में लोग सफदर भाई, चारा इसलिए बिक रहा है, ये मशहूर जो है ना प्याला होटल का, ये एक ऐसा रोड है यहाँ पर चारे की शॉप से, और ये बाड़े बने हुए पीछे बकायदा, तो ये जानवर पलते हैं, तो ये जाहिर है जब जानवर पलेंगे तो उनके लिए खाना भी जो प्रोवाइड करना होता है, तो ये सालाना जो है, सालों साल जो लोग जानवर पालते हैं तो वो चारा यहीं से खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कैफे प्याला के पास दोस्तों, राइट साइड पे कैफे प्याला, दोस्तों राइट साइड पे कैफे प्याला, अब अभी चाय पी रहे हैं। इसका मालिक जो है वो इनका दोस्त है, रेहान भाई का, रेहान भाई का। तो और ये सारे लस्सी वाले मशहूर सब, ये सब बैठे हैं दोस्तों, की रौनक है, देखते हैं। ये देखो साफी साफ सब लोग हमारे साथ गाड़ियों में आते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ पर आप लोग भी आए और हमारे साथ चाय पिए, मौसम भी चाय का हो रहा है। यहाँ का जो पराठा है ना, उसकी आप वीडियो बनाई है तो आपकी तबीयत इंशाल्लाह। कैफे प्याला के मशहूर पराठे, हमारे सफदर आयाज भाई माशाल्लाह, इन्होंने हमें वक्त दिया, हमारी खुशनसीबी अमेरिका से तशरीफ लाए हुए, और ये हमारे कराची में मशहूर प्याला होटल, इसकी आज हम चाय पीने आए हैं मलाई वाली। और ये पराठे की आप क्वालिटी देखें, ये पूरी पराठा बहुत ही मशहूर है इसका, प्याला होटल का, बहुत ज़बरदस्त। और ये हमारे भाई बनाते हैं, ये अंगूठा दिखाएंगे, ज़बरदस्त। ये सफदर भाई हैं, ये मैं हूँ, और इनकी चाय भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, थोड़ी सी चाय की भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। गाड़ी में दे रहे हम आ रहे हैं, चाय भी तैयार होते हैं यहाँ से, ये देखें मलाई वाली चाय। ये वो होटल है, ये देखिए कैफे प्याला की मशहूर चाय हमारे भाई साहब बनाते हैं, और बहुत लजीज और बहुत जायकेदार चाय होती है ये। और यहाँ खाना भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किचन है पीछे, सारा खाना बनता है वहाँ माशाल्लाह। ये देखें एक अलग है, एक फीकी है, और एक अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आ जाओ कैफे प्याला, बारिश में भी रौनक हुई हुई है। हमारे प्याला होटल के जो ओनर है उनके भाई है ये, सुभान अल्लाह। Thank you.
दस्ते हमारे चारा आमा तुए दामा तुए चुमा हर सो सवामा तुए आमा तुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैफे प्याला से बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश की वजह से कैफे प्याला थोड़ा सा डल नजर आ रहा है, ऊपर उसका साइन नजर आ रहा है आपको। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, हसन मेंशन रोड पे ही इसके बराबर मेन रोड पे यहीं से घूम जाए। ये घूमोगे ना? हाँ हाँ, सुनहरी बैंक से पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोटे मामू तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो हम लोग जो है ना हसन मिनसन लोगों से पूछते हुए जा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है। बाबा जी कैफे प्याला आए थे, तो हमने बोला जब प्याला आए तो किसी ना किसी मामू से भी दिल लगी कर लें, मोहब्बत कर लें, फिर आना हो ना हो। शदीद बारिश और हसन मिनसन। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, जाइए अपने प्यारे से मामू जान से मिलकर आइए, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जबरदस्त। कौन सी जगह आई है? हसन मेंशन आयशा मंजिल। आयशा मंजिल। और यहाँ के फ्लैटों की क्या मार्केट है? डेढ़ करोड़ सवा दो करोड़ रुपए की मिल्कियत के यहाँ पर फ्लैट है। जनाब अली देख ले छोटे मामू के फ्लैट की ये वैल्यू है। अभी अभी हम लोग ने गेट पे लिए रेलवे स्टेशन। अभी देख लो हम लोग आ रहे हैं, ये छोटे मामू हैं, यहाँ पर हम आए हुए हसन मिर्जा, हमारी वालदा, ये मामू अदनान इरफान। अब ये सारे बच्चे बड़े हो गए, आज हम लोग हसन मिर्जा आए हुए हैं, देख लें। तो आप हमें कहते हो हमारे मामू को देखो, इसको देखने वाले की सारी मुश्किलात परेशानियाँ जो हैं वो दूर होती हैं, है ना। अयान अदनान आशिकीन के साहबजादे, समझे। आज का विलाग ये अपने सारे मामू को भी देगा ना। हाँ। इसके मामू अमेरिका में है ना। क्या नाम है और मामू का? बताओ मामू का। आतिफ मामू। आतिफ मामू। आतिफ मामू। बोलो आतिफ मामू, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आतिफ मामू बिग थम्स अप लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो। तो सब दर्शाया चैनल। सब दर्शाया चैनल। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, अब्दुल्ला भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत इज्जत दे। और हमारे सफदर भाई तशरीफ लाए हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया है। और शाम से हम इन लोगों के साथ चल रहे हैं, हम लोगों ने पता नहीं कहाँ का सब्जी कढ़ाई और अभी मछली का प्रोग्राम है। अभी मछली का प्रोग्राम है। कैफे प्याला शानदार फिश वालों की मछली खिलानी। ये भी साकिब शाह साहब है, ये हसन शाह साहब है। सभी भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई आप लोगों का शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई हमारे नॉर्थ कैरोलिना में होते हैं, और सभी भाई जो होते हैं वो होते हैं मकबूल। अच्छा ये जो शाह साहब बैठे हुए गुल प्लाजा में, इनका जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन का सामान है, मैं वहाँ चक्कर लगाता हूँ, आप लोगों को व्लॉग भी दिखाता हूँ उसका ना बना के इंशाल्लाह ताला। बाकी इसका बम्पर शम्पर टूट गया बारिश की वजह से, ये आप लोग बम्पर बनवा रहे हैं, काफी गड्ढे हैं, पानी है, बड़ी कुर्बानी है यार आज के दिन की। 5 घंटे से बारिश हो रही है और हम लोग बारिश में निकले हुए हैं और बड़े बड़े गहरे गड्ढे खा रही है। 42 लाख की गाड़ी, यकीन मानो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लोगों ने मेरे खातिर अपनी 42 लाख की गाड़ी जो है इन गंदे नालों में चलाई हुई है। गटर का पानी और बारिश का पानी एक ही हो गया। सफदर भाई से मोहब्बत करते हैं हम सब लोग। सफदर भाई कराची आए, हमने वेलकम किया, सफदर भाई की गुफ्तगू हमें बहुत पसंद आती है। सफदर भाई दी ग्रेट माशाल्लाह। सफदर भाई जो ब्लॉग बनाते हैं कराची में बहुत मशहूर है माशाल्लाह, और मुझे जो है यहाँ पर इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से मिलने भी इंशाल्लाह वहाँ जरूर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुआ ये स्पेशल गाड़ी इनकी लग रही है, ऊपर जगह बनाएगा तो हम लगाएंगे। दोस्तों गाड़ी हम लोगों ने खड़ी कर दी है ड्राइवे पे, मुसलसल बारिश हो रही है। रियान भाई जी जी जी, कैसा लग रहा है आपको सफदर भाई के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं? माशाल्लाह सफदर भाई, जिस तरह अमेरिका में लोग आपके दीवाने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, मैंने कराची में भी आपकी व्यूअरशिप देखी है कि लोग आपसे शिकवा कर रहे हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे, लेकिन मैं अब आपको एडवाइस करता हूँ कि अब आप जितने देना सबको प्यार दें, यही जिंदगी। यार बिलाल भाई को टाइम दिया है, बिलाल भाई को टाइम, और बिलाल भाई को पहले मैंने कहा था कि वहाँ जा रहे हैं हम लोग कबाब जी सुपर हाईवे,
लेकिन अभी हमने बिलाल भाई को कहाँ का बोला है? लाल किला का। लाल किला का। लाल किला। दोस्तों आप लोग जरूर लाल किला वाला व्लॉग देखिएगा और हसन शाह की कमेंट्री होगी और हटो बचो व्लॉग होगा। बिलाल भाई के लिए कुछ बोले यार, ये स्टेटस भाई हमारे बहुत अच्छे शख्सियत हैं और बहुत पूरी दुनिया में जहाँ भी जाए आप उनसे टिकट करवाए। वो ट्रेवल का काम करते हैं, कहीं पर भी आप जाए किसी भी जाए, और वीजा उनसे लें, उनसे टिकट भी करवाएं। बहुत अच्छा पैकेज, नॉर्मल पैकेज आपको देंगे इंशाल्लाह, बल्कि हज उम्रे का भी वो बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस में आपको इंशाल्लाह टिकट और बिलाल भाई का। हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, बिलाल भाई से आप डायरेक्ट हो जाएंगे। जी ध्यान भाई, बिलाल भाई के लिए दो अल्फाज। ट्रैवल नाउ जनाब सफर के लिए बेहतरीन माशाल्लाह से, और बिलाल भाई जैसा आशिक रसूल आदमी कहां मिलेगा। बहुत प्यारी शख्सियत जी। अमेरिका से देखने वालों बिलाल भाई से राब्ता करो। इसके ऊपर ही वो बम्पर के ऊपर लगेंगे जी, नजर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर इतनी शदीद बारिश है और गाड़ियाँ ये देख रहे हैं आप कितना पानी भरा हुआ है अभी गड्ढे में। ये देख ले ऊपर से कौन लगाएगा, ऊपर से थोड़ी लगवाना है यार। वो अली अली नारे हैदरी यार। दोस्तों इस कदर बारिश हो रही है दिन रात, लेकिन आप ये देख ले खाली सिलेंसर वाला भी खुला हुआ है, प्लम्बर भी खुला हुआ है, इलेक्ट्रिशियन भी खुला हुआ है। ये 12 के बाद के मनाजिर हैं और गाड़ी का बम्पर जो है ये निकल गया गड्ढों चड्ढों में। ये देख ये डैमेज हुआ है गड्ढों में ना, ये आ रहा आपको ये यहाँ से भी है। शाह साहब ये कौन सी जगह है हमारे देखने वालों को बता दें? जमशेद रोड, मेन जमशेद रोड, यादगार फिश मशहूर है यहाँ पर जी। दोस्तों अभी हम लोग फिश भी खाएंगे आप लोगों के साथ है। हॉर्न बजाऊं? हॉर्न बजाना। बेटा ले लो जल्दी ले लो। हेलो बेटा इस वीडियो में बोल सकते हैं आप कुछ? क्या खर्च है? 500 रुपए की रिपेयरिंग है। अबे उसकी को थोड़ा सा वो कर दो, तो दुकान वाला काम कर दो यार। बड़ी जबरदस्त बारिश भी हो रही है। कैसे नजर भाई माशाल्लाह, आपने पूरी कराची को वीडियो से भर डाला। पानी में चल गई ना तो इसलिए मेरे ख्याल में पानी के जोर से। काका बारिश का जरूर पड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। बारिश बहुत प्यारी हो रही है, बारिश का दुरूद पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बि अददी कज़रातिल अमतार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। काफी भाई की मिल करता भाई और हमारे अब्दुल्ला भाई और जितने तमाम अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब जो जो हमारे ये ब्लॉग देख रहे हैं, तमाम को जो है काफी भाई की मिल कर दिया, भाई की भी मिल कर दिया है और आगे वो भी किसी की मिल करना चाहे तो कर सकते हैं। रात का तकरीबन 1 बजने वाला है और कराची की रौनक है और मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा। आप एक दफा आए और इतनी जबरदस्त जुगाड़े हैं यहाँ पे। देख लो भाई वसीम भाई माशाल्लाह से आ गए सभी भाई, देख लो ये कौन सी जगह है वसीम भाई? जमशेद रोड नंबर 3, जमशेद रोड, और तकरीबन 1 बजने वाला है। इनकी मोहब्बत है, कुछ बोलेंगे सभी भाई के लिए, अब्दुल्ला भाई के लिए? अब्दुल्ला भाई की बात हो गई है, सभी भाई को सलाम वालेकुम और सभी भाई खैरियत से हैं? मुझे जानते हैं आप? आप जानते हैं मुझे? आपका तो मैंने बहुत नाम सुना हुआ है, गायब है ना, आपने भी मेरा तारुफ सुना होगा। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
यादगार मछली है आपके बिल्कुल पड़ोस में बगल में। दोस्तों रात का तकरीबन 1 बज रहा है और ये वसीम भाई की मोहब्बत है माशाल्लाह, नूर अल्लाह नूर, ये हमारे लिए दुआ गो हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं, ये तशरीफ लाए हुए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, सभी भाई आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। वसीम भाई तशरीफ ला चुके हैं और सफदर भाई उनको बहुत प्यार दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को अल्लाह पाक सलामत। अल्लाह अकबर, ये देख लो भाई वसीम भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा। हम लोग इस वक्त जमशेद रोड पर हैं और बारिश भी हो रही है, मोहम्मद डीजी ऑटो पे, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। मारे यार शाह साहब के लिए स्पेशल चपाती दिखाए हुए, कितना बड़ा साइज है चपाती का, कोई किलो अच्छी खासी बड़ी चपाई है, ऐसी 15 चपातियाँ खा चुके हैं शाह साहब। क्या सर दोस्तों हम लोग 15-20 मिनट से देख रहे हैं रियान भाई को, इतना मज़ा आ रहा है नली खाने का, मटन नली है ये, और बड़े यानी कि जो है ना मोहब्बत करने वाले हैं रियान कुरैशी भाई। आज इन लोगों की दावत में हम यहाँ बस रोड आए हुए हैं और माशाल्लाह से देखें छुरी की नोक से मतलब जो है गूदा खा रहे हैं माशाल्लाह से, कह रहे हैं बहुत फ्लेवर है और अंदर तक जो है फ्लेवर गया हुआ है। दोस्तों बारिश भी हो रही है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद फी अदद खटवात अल-अमतार। बड़ा ज़बरदस्त खाने पीने लगे हैं भाई माशाल्लाह, गाड़ी भी खड़ी हुई रियान भाई की। आपने कभी भी रियान कुरैशी लंदन वालों को नली चूसते हुए नहीं देखा होगा, आज आप देख रहे हैं मटन नली माशाल्लाह। शाह साहब जो है चरगे को उधेड़ रहे हैं, ये आखिरी लम्हात हैं, और कह रहे हैं कि इसका खाना भी जो है वो बरकत है, पता नहीं किस मसाले में जो है वो बरकत है, तो इसलिए रियान भाई जो है भमोड़ रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त चौसा आया हुआ है। और शाह साहब कैसा लगा? आपको कैसा लगा? मैं तो कह रहा हूँ छा गया है और मैं बहुत जल्द आपके पास मुस्तकिल आ रहा हूँ।